वेलकम टू एनके क्लासेस। आज हम क्लास नाइन्थ की साइंस का चैप्टर फोर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मॉडल प्रपोज्ड बाय थॉमसन। सो थॉमसन ने अपने मॉडल में क्या क्या डिस्कवरी करी थी। इसमें थॉमसन ने बताया था कि जो एटम है वो एक स्फीयर होता है जो पूरा का पूरा कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड रहते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, और जो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है उन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कैसा रहता है, इक्वल रहता है। सो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और पूरा का पूरा एटम कैसा रहता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जे थॉमसन प्रपोज्ड डेट एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। The negative and positive charges are equal in magnitude so that the atom as a whole is electrically neutral. Move on to second question. Name the three subatomic particles of an atom. जो atom है उसमें तीन subatomic particles होते हैं, electron, proton and neutron. Electron जो होता है वो negative charge होता है, proton जो होता है वो positively charge होता है, और जो neutron होता है उसमें कोई चार्ज नहीं होता, ना कि पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल्स में होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है सारे एलिमेंट का, वो फिल कैसे होता है, पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे शेल में आठ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तीसरे शेल में आठ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और चौथे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और वो फिल होते हैं इन शेल्स में, तो जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को हम क्या बोल देते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मूव टू फोर्थ क्वेश्चन, कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट हुज मास नंबर इज 23 एंड न्यूट्रॉन नंबर इज 12, व्हाट इज द सिंबल ऑफ दिस एलिमेंट। सो मास नंबर किसके इक्वल हो जाता है, एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। यहाँ पे हमको मास नंबर गिवन है 23, न्यूट्रॉन नंबर हमको गिवन है 12, हमको फाइंड आउट करना है एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। 23 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और इस ये जो एलिमेंट है 11 वो किसका होता है, सोडियम का होता है, तो उसका सिंबल क्या हो जाएगा, Na। मूव टू फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज 12। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फील होते हैं, के शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स फील होते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स फील होते हैं, और एम शेल में वापस 8 इलेक्ट्रॉन्स फील होते हैं। सो अगर किसी का एटॉमिक नंबर 12 है तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो इसमें के शेल में कितने आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और एम शेल में कितने आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2, 8 एंड 2। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।